तो आ गया यार टाइम घर जाने का और मनाली को करने का बाय बाय। कम से कम भी 5 किलोमीटर हो गए जाम को देखते हो, मुझे लगा अब खत्म होगा। गौ माता को भाई कोई गाड़ी वाला मार गया तो हाथ लगवा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। यार यहाँ से आज चेकआउट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और जब हाथ में ब्रश वो कोलगेट ले रखा है ब्रश करने तक का मन नहीं कर रहा, और मन कर रहा है आज रुक जाएं, लेकिन जा रहे हैं यार। आज क्या करेंगे, कुछ नहीं है मनाली में तो देखने का, और है भी बहुत कुछ देखने का, लेकिन मन नहीं कर रहा रुकने का। रुक जाते हैं एक दिन और सही। ये कह रहा है रात से, कह रहा है तो रात को कह रहा था कि आज यहाँ से अमृतसर चलते हैं, वहाँ से फिर दिल्ली चलेंगे। फिर जब इसने देखा किलोमीटर्स मुँह कर गया, क्या नहीं नहीं हो पाएगा। फिर मेरे इनने जवाब दे दिया नहीं जाना। बाइक पे यार दर्द तो होते ही है। चलो भाई करते हैं ब्रश वगैरह। और यहाँ का देखो यार वेदर कितना सही हो रहा है, अभी बादल दिख, ओ अभी पूरे हिल्स दिख रहे थे और अब सारा कुछ छुप गया। तो यार रेडी होते होते बज गए 9:15 और घर पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे हमें 11 या 12 भी बज सकते हैं रात के, क्योंकि जाते हुए पानीपत रुकेंगे थोड़ी देर, आधा एक घंटा तो वहाँ लग जाएगा। और ये देखो इसको कितने रीटेक ले लेगा, तीसरा रीटेक है बस, ये लास्ट है। अब निकल रहे हैं फटाफट, सामान पैक हो गया, ये बाइक पे टैंक बैग भी हो गया, सब कुछ रेडी है। बाइक की हालत देखो यार कितनी गंदी हो गई है, चारों तरफ से गंदी। अब खुशी साफ कर रहा है, खुशी बाइक साफ कर रहा है पूरी। ये मार दिया कपड़ा बढ़िया से, ओ भाई साहब ये तो टैंक पे था बस। बापरे इसलिए साफ कर रहा हूँ। बाइक कर दी जिसने, था भाई देखो कैसे झाड़ रहा था अपने, ओ मिठे। ये था भाई अपना होटल, बस नाश्ता भी यार यहीं से करके निकल रहा है। रिसेप्शन पे बोल दिया नाश्ते के लिए, नाश्ता करके अब नॉन स्टॉप निकलेंगे, कम से कम भी 100 किलोमीटर बाद ही रुकेंगे। अब बाइक कर दिए साहब, और देखो दहानी ग्रोवर कैसे चमक रहे हैं, बेल आइकन भी दबा दें बनवा दें। अबे तेरे बाल कैसे लग रहे हैं एकदम वाइट, उधर मैं वाइट भाई सबको बताना जरूरी है। सारे नाइयों को तो पता दिल्ली के। चलो भाई नाश्ता करके निकलते हैं और मिलते हैं अब सीधा बाइक पे यार। तो आ गया यार टाइम घर जाने का और मनाली को करने का बाय बाय, सो लेट्स गो। सुबह इतना अच्छा मौसम था जब हम उठे थे, और अब जब वो धूप निकल गई, बस यार रास्ते में बारिश ना मिले वरना जैसे आए थे वही वाला हाल हो जाएगा। कल खाना खाने आए थे बिना हेलमेट के आ गया ये, खुशी को मैं बोल भी रहा था हेलमेट ले ले भाई, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे रोका था है ना, यहाँ पे रोका पुलिस वाले ने, और वो खड़े वो अंकल जिन्होंने रोका था, कह रहे दिल्ली के तो जाने दे रहा हूँ, एक अंकल इनके साथ खड़े थे, काटो इनका चलान 4,000 का, मरना होगा तो तुम यहाँ भी मर जाओगे, मेन रोड पर जाने की जरूरत थोड़ी है। यही अंकल जी थे। आ गया भाई अपना हाईवे, अब यहाँ से टापो टाप खींचनी है, कम से कम भी 100-150 किलोमीटर बिना रुके। कितने मैं कह रहा 100-150 किलोमीटर जाना है नॉन स्टॉप बिना रुके। हाँ क्या हो गया, वेलकम टू ले मनाली हाईवे। पागल ही ट्रिक होती है, हम आए थे वीक डेज में ताकि होटल सस्ते मिले, भीड़ कम मिले। सैटरडे संडे नितिन के घर पे बिताते हैं, नानू के घर पे, बुआ के घर। भाई साहब को आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, पक्की बात, हवा की भी आवाज आ रही है लेकिन अपनी भी आ रही है। सॉरी यार अभी विंड नॉइस आ रहा है, ये अपडेट कर देंगे हम थोड़े टाइम में। ट्रिप पे GoPro, बस इस वीडियो को शेयर कर दो दबा के, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए अगली ट्रिप के लिए। तो भाई कम से कम भी 5 किलोमीटर हो गए जाम को देखते हो, मुझे लगा अब खत्म होगा, बट जाम नहीं खत्म होने में आ रहा। ये हाल है सैटरडे आने वाले, इसलिए भाई सैटरडे कभी मत आया करो ऐसे हिल स्टेशन पे, दिल्ली यूपी हरियाणा पंजाब मुझे कहाँ तक जाना है।
एंड का डेढ़ दो घंटा बेचार होगा, डेढ़ दो घंटे से पहले जाम नहीं मुकता ये, और जाने वालों के लिए खाली है, जाने वाले आराम से जा रहे हैं शनिवार को, इसलिए वीकडेज में दो छुट्टी लो और आ जाओ, वीकेंड का वेट मत करो। बहुत जाम है भाई, बहुत जाम, बसें ही बसें आ रखी हैं भर भर के। तो भाई जाम देखो दोबारा, नहीं दिख रहा से मंडी तक है, क्योंकि मंडी यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास बचा है। हाँ 3-4 बचा है। तो भाई 110 किलोमीटर के बाद रुके हैं यहाँ पे चाय पीने, रे के लिया मैंने मीठा फैन, कितना सही लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा था तो ले लिया है। बावड़ी गूंज है ये पूरा, क्या हाथ मुँह धो रहा है, कह रहा है पिप पिप हो गई, ये अपनी पिप पिप ठीक कर रहा है और मैं थोड़ी चाय पी रहा हूँ। तो भाई छोले कुलचे खा रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे बनते हैं, टिक्की भी डाल रहे थे भैया, टिक्की तो मना कर दिया, टिक्की डाल के कैसे बनते हैं यार, पहली बार सुन रहा हूँ मतलब टिक्की बना, टिक्की डाल के। तो भाई छोले कुलचे लिए थे, दोनों ने खाने के लिए, मेरे से तो देख के मन कर गया था नहीं खाने, मेरा रायता एक हमें इतना झूठ मत बोल, दोनों ने लिए, तूने कहा भूख लग रही है खा लूँ, मैंने कहा वो वाले नहीं है खा ले खाने, तो एक तूने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा दिया है भाई पीछे ही, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, दिखाइयो कैसे है। क्यों खा रहा है, 40 रुपये दिए हैं, साल मजाक है भाई, बैग हटा दो, फर्स्ट फिलअप करवा रहे हैं भाई वापस में, खाली था पूरा 1000 के आया है, 910 ठीक है, हाँ ठीक है 910 का हुआ है भाई। चलो अब निकले यहाँ से, अब निकलेंगे रुकेंगे सिर्फ लंच करने के लिए, भाई अब खाना खाने रुके हैं 2.5 घंटे के बाद, टाइम हो गया 4:30 बजे खाना खा गया, मुँह ऐसा हो गया था ना यहाँ पे पूरे काला किया काला किया काला, मुँह धो के बड़ा मज़ा आ रहा है, रिफ्रेशिंग हो गया पूरा, सामने कूलर लग रहा है, स्वाद आ रहा है, स्वाद एक नंबर। चेस भाई आगे कुछ तो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है क्या, जाम लग गया उसकी वजह से, पूरा देखते हैं क्या हुआ है, इधर ही हुआ है भाई, जो भी हुआ है सब काट रहे हैं इसलिए। कुछ नहीं हुआ भाई, गौ माता बैठी है रोड पे, गाड़ी वाला मार गया गौ माता को भाई, कोई गाड़ी वाला मार गया तो हाथ लगवा गया भाई जी, पीछे लग गया यार, पीछे पीछे पैर में ना, तो भाई एक्सीडेंट हो गया था गाय का, हाथ लगा के साइड में करवा दी गाय जी, अब खुला है जाम, तो निकल रहे हैं यार, पानी पर पहुँच गए हैं, तो अभी स्टॉप ले रहे हैं मासी के घर, देखते हैं डिनर वगैरह करके निकलेंगे या रुकेंगे, मेरा तो प्लान है पूरा निकलने का, इसका प्लान मुझे पता है क्या है, रुकने का रुकने में दुमानी शायद, देखते हैं बाकी सीधा 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 चल भाई, बाय बाय, चल भाई बाय, ओके बाय बाय। निकलते निकलते भाई 12 बज गए, ओहो दिख नहीं रहा इसमें तो, 12 बज गए पूरे, घर पहुँचते पहुँचते बच जाएंगे, मैं 2 रात के ज़्यादा देर रुक गया, मासी घर रुक गया पूरे 2.5 घंटे रुके ना तुम्हारे, हाँ 2.5 घंटे रुके, डीट ये तो मैं रोक रहे थे, मैं रुका नहीं, डीट बदतमीज
भाई तुम खुद सोचो यार, अभी थके हुए हैं भाई, कुछ मत सोचो यार। किसी अगर कोई आया तो यार रात को रुक जाए, सुबह निकल जाए, अकल ही नहीं है यार बिल्कुल। चलो मैं देख रहा हूं, बेचारे का इतना मन है रुकने का, बाइक अंदर कर दी थी जब भी बाइक बाहर निकाल ली है। कह रहा मैं जा रहा हूँ, तू रुका रहे पता है, बात हुई है भाई, तू आ जाओ अपने आप बात हुई। चलो अब निकलते हैं और मिलते हैं घर पे। पहुँच गए भाई अपनी दिल्ली वापस। ऐसा लग रहा कल ही तो गए थे और 1600 किलोमीटर की राइड होके अपनी वापस आ गई। तीन दिन में फुल इंजॉय करा है, फुल इंजॉय। और इस टाइम भी देखो लोगों को चैन नहीं है, रात के 1 बज रहे हैं। बस अब 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, नहा धो के सोएंगे। भाई देखो इसको इतनी गर्मी लग रही है वहां से आते ही, बैग भी नहीं उतारा, पहले एसी चला रहा है। क्या हो भाई? एक इसकी नाक पता नहीं पकौड़े जैसी सूझ गई। नोड़ी बन गया, नोड़ी। तो भाई घर पहुंच गए, घर पहुंचते पहुंचते यार बज गए पूरे अपने को 1:45। अगर मासी अगर ना रुकते तो टाइम से पहुंच जाते, बट कोई नहीं, मासी के अगर डिनर विनर करके आराम से आए हैं रेस्ट करके। तो इस लोग का यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।